सो हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हो सभी लोग। आज हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं पोकेमोन एश वाइन वर्जन। सो हम लास्ट टाइम लावरिश टाउन पहुंच गए थे और हमने मी का कॉन्टेस्ट भी देखा था लास्ट टाइम, वो फ्लावर कॉन्टेस्ट जीत गई थी। सो आज हम लोग फ्लैनरी को चैलेंज करेंगे जो लावरिश टाउन की जिम लीडर है। लावरिश टाउन पोकेमोन सेंटर, ये तो पोकेमोन सेंटर है इसका। ये है जिम लावरिश टाउन जिम लीडर फ्लैनरी वन विद अ फेरी फैशन कैट। तो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा दूँगी पोकेमोन्स। तो ट्रिको का लेवल 20 है, टेलो का 19, पिकाचू को 21 और कॉडफिश का 20। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे कॉडफिश को फर्स्ट में रखूँगा बिकॉज वे वाटर टाइप और ये फायर टाइप की जिम है। चलिए चलते हैं। टाइम टू गेट माई फोर्थ जिम बैच। हॉट 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 हॉट। ये प्लानरी है। ब्रॉक मडकेव, यूज वाटर गन। थैंक्स फॉर हेल्पिंग। माय नेम इज फ्लैनरी, द लावरिच जिम लीडर। आई एम एश फ्रॉम पैलेट टाउन। आई कम हियर फॉर द जिम बैच। आई डोंट रिमेंबर वेयर आर दोज बैचेज आर। इट हैड बीन 3 days सिंस आई बिकम द जिम लीडर। तो ये 3 दिन पहले ही जिम लीडर बनी। आई न्यू यू वॉन्ट टू बी एबल टू हैंडल बाई योर ओन। तो ये इसके grandfather हैं। Grandfather एक्चुअली इनके पास ही टाइपलोजन है। सो ये पहले ही जिम के लीडर थे, अब प्लानरी को उन्होंने बनाया 3 दिन से। मी मॉरी, हेलो ऐश, माय नेम इज मॉरी। राइट नाउ द जिम इन बैड कंडीशन, वी नीड टू फिक्स इट। तो मैं पहले जिम को ठीक करना पड़ेगा। सो ऐश, व्हाई डोंट यू कम टुमारो फॉर अ जिम बैच। जिम बैटल के लिए मैं कल आना पड़ेगा। अभी देखें, चल गए, अभी भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बैटल होने वाली है। फ्रेंड्स 1 मिनट, मैं भी बैटल करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं प्लानर से जिम। ये आपका रेफरी बने गए। आर यू रेडी? यस ऑफ कोर्स। आर यू रेडी ऐश? यू बीट, यू बेट आई एम। देन टेक योर प्लेस। तो हमें अपनी जगह पे जाना है। This is an official 3-on-3 Pokemon gym battle between the new gym leader Flannery and Ash from Pallet Town. Let the battle begin. तो यहाँ हमारी battle हो गई है friends Flannery के साथ। देखते हैं इसको पहले Pokemon कौन सा है। ये 3-on-3 Pokemon battle होगी। बट हमारे पास तो Pokemon मकार वो ऐसा पैलेट है। कॉस्ट इसके पास एडवांटेज है। बबल बीम, इसका लेवल भी ज्यादा है। वाओ, 1 हिट कर दिया हमने मकारगो को। कॉर्फिश का लेवल हो गया 21। सो प्लानरी का नेक्स्ट पोकेमॉन स्लगमा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मुझे टीलो को भी भेजना चाहिए ताकि उसका लेवल अपग्रेड हो, उसका लेवल बढ़े। वो टीलो लगना उसका 14। सो हम रिंग अटैक करेंगे यहाँ। ओ बस थोड़ी सी और रह गई इसकी। फ्लेम थ्रोअर किया उसने। ओ हाफ हेल्थ चली गई। कोई नहीं, इसने हाइपर पोशन यूज कर दिया। सो हमारे पास एडवांटेज है। जल्दी खेलो विंग अटैक। अब मैं क्विक अटैक भी कर सकता हूँ। चलो क्विक अटैक करके देखता हूँ। ओ यस, पेंट हो गया है लगभग। इसका लास्ट उतना है टॉर्क होगी।
और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है इसका। सो मैं कई पिकाचू को यहाँ देख के देखा हूँ, बाई चांस वो अच्छा काम कर दिखा है। इजी है प्लानिट जो है पंचमी, इसके मेन पोकेमोन का लेवल भी 16 ही है, हम थंडर करेंगे इसके ऊपर, इसके बाद ओवर नहीं कर सकते। ओ नो, हमने इसे मेन पोकेमोन से बन किया कर दिया, और पिकाचू मास्टर सबसे स्ट्रांग पोकेमोन है इस वक्त 23 लेवल है। हमने प्लानरी को यहाँ हरा दिया है। प्लानरी पोकेमोन आर अनेबल टू बैटल, द विनर इज एश फ्रॉम पैलेट टाउन। हम लोग जीत गए फ्रेंड्स, एश कम हियर, मैं प्लानरी के पास जाना। यू बैटल वेल एश, हियर हैव द हीट बैच, हमें हीट बैच मिल गया। या आई कॉट अ हीट बैच, हैव दिस ऑल्सो, हमें टी एम 35 मिल गया है। ऑल द मीट इज द होयन लीफ, प्लानरी में फ्रेंड्स हमें क्या दिया है, टी एम 35 दिया है, प्लानरी में वो है फ्लेम थ्रो। वो अभी तो हमारे पास वैसे कोई फायदा तो प्लान है नहीं, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें प्लानरी को हमने हरा दिया है। तो बहुत अच्छी बैटल थी हमारी प्लानर के साथ। सो थोड़ा सा मैं देखता हूँ इस जगह को, ये तो हॉप शॉप है। अब आई थिंक हमें वहाँ से यहाँ से जाना चाहिए, हमें स्लेटकोट सिटी की ओर जाना चाहिए, वहीं से हमारे पास नेक्स्ट आगे बढ़ने का रास्ता है, क्योंकि वहाँ फूड जिम बैच लिखा था कि अब जब जीतोगे तब यहाँ आना है आपको। तो यहीं से चलते हैं फिर, यहीं से ट्रेनर से बैटल कर लेते हैं पहले। सो हम लोग जा रहे हैं, और आई थिंक ये रास्ता, आई थिंक हाँ ये रास्ता है मावल था, सॉरी मावल से चलते हैं। हाँ ये थी, आई शुड हैव अ रीमैच विद वॉटसन। अच्छा हाँ, हमें यहाँ पे वॉटसन के साथ ही बैटल करनी है, बिकॉज एक उसमें एपिसोड था कि उसका इलेक्ट्रिक जो है वो मैग्नेटिक में इवॉल्व हो जाता है। बट आई थिंक मेरे को पहले टारकोल को पकड़ना चाहिए। फ्रेंड्स 2 मिनट्स का वेट करिए, मैं जाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं दोबारा लावरेज टाउन आया, सो हमें यहाँ से नहीं, हमें इस रास्ते जाना, मैंने देखा नहीं रास्ता। So I think ये रास्ता है। Ash and his friends decided go Peterbug City and there was a shortcut Lavridge Town to Marvel City। अच्छे shortcut एक तरह का Lavridge Town से Marvel City का। They were not able to find a way out। तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हमने एक तरफ भटक गए हम। एट दैट टाइम दे सॉ अ ट्रीको, सॉरी टारकोल इन गेटिंग अटैक्ड बाय। अच्छा यहाँ पे एक टारकोल आ रहा है, और यहाँ पे दो मैग्नेमाइट और एक स्कारमनी मैग्नेमाइट स्टार्ट अटैकिंग। To and left that place. They tried to help the charcoal while they were talking. अच्छा उनको help करनी थी मुझे charcoal को। About what's going on here, they heard a voice. After hearing that voice, charcoal went towards that. Few minutes later, they saw the same charcoal in attiring. That same Pokemon they tried to rescue charcoal. After then they like that they are in the well stuffed tree. They threw batter to
leave this place as that as possible. So friends, actually यहाँ पे एक टारकोल जो है, टारकोल असल में बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो गया है, लड़ाई करने लग गया है कारमनी और उन सबसे, लड़ाई करने लग गया है। सो हमें उसको रेस्क्यू करना है, स्टारफुल को स्कारमनी और मैग्नामाइट से। तो फ्रेंड्स मैं उन्हें ढूंढता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स मुझे मिल गया है, इट्स अ स्टिलिक्स, इट वॉन्ट लेट अस गो, वी हैव टू बैटल हिम। सो हमें यहाँ पे एक स्टिलिक्स आ गया, उससे बैटल करनी है। टारकोल आर यू रेडी? टारकोल हमारी स्टीलिक्स से बैटल हो गई है, स्टीलिक्स से बैटल करनी है इस। अच्छा ये हमारे पे डबल बैटल करेगा, इसमें दो मैग्नेमाइट दीजिए। मैंने कॉर्फिश और पिकाचू को रखा है। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने वाटर टाइप क्यों लिया है, बट आपको पता चल जाएगा। मैं थंडरबोल्ट करूँगा, वो एक ही अटैक में फेंट हो गया वो। दोनों को भी पॉइंट्स मिले। उसका नेक्स्ट पोकेमॉन है मैग्नेटॉन, इसने बबल बीम यूज किया, वो भी एक हिट के एक बारी में ही हार गया। मैग्नेटॉन और स्कारमनी आ गए दोनों। सो मैंने स्ट्रैटेजी सोची है, मैं ट्रैवलर करूँगा मैग्नेटॉन पे और थंडरबोल्ट करूँगा स्कारमनी। ओ यस, स्कारमनी हार गया। ओ इस बार स्टीलिक्स खुद आ गया। ओह नो, कॉर्फिश का टाइम मिस हो गया यार। यहाँ पे सारी स्टील टाइप पकड़ना है, कोई नहीं मैं कर रहा उसके ऊपर। मैंने जान चिर किया था ये अटैक। ओह नो, कॉर्फिश कंफ्यूज है। ओह नो, एक्चुअली थंडरबोल्ट तो करना ही चाहिए। यस फेंट हो गया। यस इस बार मैं सोचता हूँ पहले टॉर्कोल को ही बुला लूँ। सर अटैक कौन कौन से पहले मैं देख लूँ। फायर टाइप है ये, वो नेम थो ओवर हीट, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग हो गया, इसको शिफ्ट करूँगा ना। और ये मैं तो क्विक अटैक करता पिकाचू से, बिकॉज पिकाचू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मैं चाहता हूँ टारकोल इसे आ जाएगा। टारकोल भी फ्लेम थ्रोअर करूँगा मैं, टारकोल के साथ फ्लेम थ्रोअर या ओवरहीट करते हैं, देखिए ओवरहीट करते हैं इसके ऊपर। तुम कोई अटैक ही करो देखा जी, अभी होगा ओवरहीट, सबसे स्ट्रांग मूव टारकोल का, बहुत ही खतरनाक मूव है ये का। और इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव है भाई, बहुत ही अच्छे। स्टील इसको हमने पेंट कर दिया, तो हमने स्टीलिक्स और उसकी टीम को हरा दिया। इट्स लीविंग, टारकोल वुड यू लाइक टू बी इन आवर टीम? टारकोल अच्छा,
यहाँ पे टारकोल तैयार हो गया, हमारी टीम में आए हैं, आई गोट अ टारकोल। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा रास्ता, तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे वॉटसन से भी बैटल करेंगे, एक रीमैच करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मी के नेक्स्ट जिम के लिए वेंडन टाउन जाएंगे, फिर उसके बाद हम नॉर्मन से भी बैटल करेंगे फिर डबल सिटी जिम में। सो आपको कैसा लगा आज की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। सो होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। सो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट आएगा आपके लिए, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।